भिखारी, कुछ खाने को दे दो, बाबा दुआ करेगा। घर में से एक जवान लड़की निकली और बोली, घर में कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। भिखारी, अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ करेगा और मैसेज भी। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, एक बंद लिफाफा उनके सामने आकर गिरा। खोला तो उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, गधा। ये देखकर वो मुस्कुराए और बोले, जिन सज्जन ने लिफाफा भेजा है उन्होंने इसमें अपना नाम तो लिख दिया लेकिन प्रश्न नहीं लिखा। एक बार संता कार चलाते हुए कहीं जा रहा था, उसे एक ट्रक ने ओवरटेक किया। ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, पढ़ने वाला पागल है। ये पढ़ते ही संता आग बबूला हो गया। संता ने तुरंत अपनी कार को दौड़ा कर ट्रक को ओवरटेक करके रोका और ट्रक के पीछे जाकर लिखा, लिखने वाला पागल है। एक आदमी साधु से बोला, मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, कोई उपाय बताइए बाबा। साधु गुस्से से बोला, अगर मेरे पास कोई उपाय होता तो मैं साधु क्यों बनता। पप्पू ने घर का दरवाजा निकाला और कंधे पे रख के बाजार में ले गया। एक आदमी ने पूछा, ओ भाई, क्या दरवाजा बेचना है? पप्पू, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। हंसो मत, जोक अभी आगे है। आदमी, अगर घर में चोर घुस गए तो? पप्पू, अंदर कैसे जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है। ओझा, बच्चा, तेरी बीवी से चुड़ैल चिपक गई है, कोई उपाय करवा। बंटा, बाबा, अगर दो बहनें गले मिल रही हैं तो इसमें क्या हर्ज है? संग्रहालय का इंचार्ज गुस्से में, तुम्हें पता है जो मूर्ति तुमने तोड़ी है वो 500 साल पुरानी थी। पप्पू, ओह शुक्र है, मैंने तो सोचा था कि नहीं है। पप्पू कॉलेज की लड़की से बोला, आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो। गर्ल, मैं अभी जाकर सर को बोलती हूँ। पप्पू, पगली, सर को मत बोल, उनकी शादी हो गई है। एक दोस्त, मैंने जूते के दुकानदार को उल्लू बनाया। दूसरा दोस्त, कैसे? पहला दोस्त, एक ही जूते की कीमत में दो जूते खरीदे, उसने एक ही जूते पर कीमत लिखी थी। दूसरा दोस्त, दूसरे जूते पर रेट लिखना शायद वो भूल गया होगा। पप्पू संता से, आज क्लास में टीचर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ मेरे पास था। संता, शाबाश मेरे स्मार्ट पुत्र, क्या सवाल था? पप्पू, ये ब्लैक बोर्ड किसने गीला किया? संता, ये 2000 का चेक किसे भेज रहे हो? बनता, अपने छोटे भाई को, लेकिन चेक पर तुमने साइन तो किए ही नहीं। बनता, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ ना, इसलिए।